सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आठवीं कक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 41। तीन वृत्त लगाओ जिनके केंद्र ए बी और सी डी है। हमने तीन वृत्त लगाने हैं, इनके केंद्र हमें दे रखे हैं। सबसे पहले अगर केंद्र दिए तो हमने केंद्र ही लेने हैं। इस तरह से आप इसके केंद्र ले लीजिए, ये हमने केंद्र ले लिए। इनके नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। आप देख सकते हैं ये हमने केंद्र ले लिए हैं। अब हम करेंगे क्या करेंगे, इनके केंद्रों को जो है आपस में मिला देंगे। यहाँ से डॉटेड इस तरह से। आपने पहले ही वृत्त नहीं लगाने हैं, पहले दिए केंद्र है तो हम केंद्र ही लगाएंगे। आपने ध्यान रखना है, कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं, तीन वृत्त दिख रहे होते हैं, पहले ही वृत्त लगा देंगे, बाद में उनके केंद्रों को मिला देंगे, फिर जो है वो एडजस्टमेंट कर करके वो वृत्त बनाते हैं, जो कि गलत तरीका है। इस तरह से आपने करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले केंद्र इनके मिलाने हैं, केंद्र लेने, फिर मिलाने, फिर आपने जो है वो जो बी और ए दो आपके कोण बन रही है यहाँ पे, इनका आपने हाफ कर देना, आधा कर देना है। इस तरह से आप देखते रहिए कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, इस तरह से ये बी आपका जो कोण था इसका मैंने आधा कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ से हम जो है डॉटेड लाइन लगा देंगे एक। इस तरह से हमारे पास एक कोण है ए, इसका भी हमने समद्विबाहु भाजन कर देना है, मतलब कि दो भागों में हमने इस कोण को भी बांट देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम इसको भी ए के साथ, इन जहां पे चापे कट रही है इसको भी हम ए के साथ मिला देंगे। इस तरह से जहां पे ये दोनों समद्विबाहु भाजन एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है ओ। अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट से आपने ए बी रेखा का एक लंब गिरा देना है यहाँ से। जरूरी नहीं कि आपने ए से बी जितनी प्रकार खोलनी है, ये सिर्फ लंब है, आप छोटी बड़ी प्रकार आपकी हो सकती है। इस तरह से, और अब आपने आगे इसमें निशान लगा देना है। इस तरह से यहाँ से आपने इन चाप को ऐसे काट देना है, जहाँ पे ये चाप कट रही है यहाँ पे ये पॉइंट आपका है डी। आपने डी और ओ को आपस में मिला देना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब जहां पे ये रेखा ए बी रेखा को कट रही है, ये पॉइंट आपका आ गया आर। आपने क्या करना है, बी पॉइंट पर प्रकार खो, आर जितनी प्रकार खोल के यहां से पहला सर्कल, अब जाके इसमें सर्कल लग रहे हैं, आपने पहले सर्कल नहीं लगाने हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पहला सर्कल लग गया क्योंकि केंद्र दिए थे तो केंद्र ही लेने थे हमने। अब यहां से हम दूसरा सर्कल लगाएंगे, ए से आर जितने प्रकार खोलेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारी प्रकार आ गई है। अब यहां से हमने दूसरा सर्कल लगाना है, अब जहां पे ये वृत्त जो है, ये बी पॉइंट वाला वृत्त जो है इस रेखा को काट रहा है सी और बी रेखा को, यहां पे पॉइंट का नाम हमने दे दिया एन। अब हमने क्या करना है, सी पॉइंट पर प्रकार खो, एन जितनी प्रकार खोल के तीसरा सर्कल लगा दो यहां से। आप देख सकते हैं ये हमारा तीसरा सर्कल भी लग के तैयार हो गया, ये अब हमारा प्रश्न भी बन के तैयार हो गया है। ये आपका प्रश्न नंबर है 41। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 42। एक वृत्त बनाओ जिसका अर्ध व्यास ए रेखा के समान और दो असमान वृत्तों ए बी को भी घेरें। तो हमें क्या दिया हुआ है, दो वृत्त दे रखे हैं और एक
बड़ा जो वृत्त घेरता हुआ लगेगा उसका हमें अर्ध व्यास दिया हुआ है। सबसे पहले एक अर्ध व्यास ले लेते हैं, ये ए रेखा के बराबर है और दो हमने वृत्त लेने, तो मैं यहाँ पे एक रेखा ले लेता हूँ पहले, हम एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, इस पे हमने दो पॉइंट लेने हैं, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे हम ले लेते हैं बी। हमने असमान दो वृत्त बनाने हैं जो स्पर्श नहीं करते हो आपस में, तो एक हम यहाँ पे छोटा वृत्त ले लेते हैं एक वृत्त हम ए पॉइंट पर ले लेते हैं, ये थोड़ा सा हम बड़ा वृत्त ले लेते हैं पर स्पर्श नहीं करेंगे आपस में। इस तरह से रेखा हमने पहले ही लगा रखी है, परिधि पे जहां पे ए वृत्त की परिधि पे कट रहा है ये पॉइंट आपका आ गया एल, और जहां पे ये बी वृत्त की परिधि पे कट रहा है इस पॉइंट का नाम हम देते हैं ई। हमने करना क्या है, ए जो आपका अर्ध व्यास है इतनी हम प्रकार खोलेंगे, ए जितनी प्रकार खोल के हम ई पॉइंट पर रखेंगे और यहां से सिर्फ निशान लगा देंगे, इस तरह से निशान ही हमने लगाना है। इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे आर। अब हमने क्या करना है, एल पॉइंट पर प्रकार रखेंगे, इतनी प्रकार खोल के हमने दूसरा निशान लगा देना है, इसका नाम हम दे देंगे एन। अब हमने क्या करना है, बी पॉइंट पर प्रकार रखो और आर जितनी प्रकार खोलनी है ये आप देख सकते हैं, और यहां से हमने डॉटेड चाप लगानी है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ए पॉइंट पर प्रकार रखो और एन जितनी प्रकार खोल दो, जितना आपका एन है ये आप देख सकते हैं, यहां से भी आपने जो है वो डॉटेड चाप लगानी है एन से, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जहां पे जहां पे आपस में कट रही है यहां पे ये जो पॉइंट आपका आ गया इसका नाम हम दे देंगे ओ। अब हम क्या करेंगे, जो आपका अर्ध व्यास है इतनी प्रकार खोलेंगे ए के बराबर, ओ पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और यहां से हम सर्कल लगा देंगे, ये सर्कल दोनों वृत्तों को स्पर्श करेगा घेरेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वृत्त को घेर रहा है और ये बनके हमारा प्रश्न जो है तैयार हो गया है। ये आपका प्रश्न नंबर है 42, ये आपका बनके तैयार हो गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 43, एक वृत्त बनाओ जिसका अर्ध व्यास ए रेखा के समान और दो असमान स्पर्श करते हुए वृत्तों को स्पर्श करे। अब इसमें हमारे पास स्पर्श करते हुए वृत्त है, तो हमने दो स्पर्श करते हुए वृत्त बनाने हैं सबसे पहले, और एक अर्धव्यास दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक अर्धव्यास ले लेते हैं, यहाँ पे ये मैं एक अर्धव्यास ले लेता हूँ, इसका नाम हम दे देते हैं ए, और इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं, सीधी रेखा ले लेते हैं, इस तरह से, और हमने दो पॉइंट ले लेने हैं इसमें ए और बी, तो हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ए और स्पर्श करते हुए, तो पॉइंट हमारे ज़्यादा दूर दूर नहीं रहेंगे, ये पॉइंट है हमारा बी। सबसे पहले हमने यहाँ पे असमान स्पर्श करते हुए वृत्त बनाने हैं, तो एक वृत्त हम इतना बना लेते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, और दूसरा जो वृत्त हमने बनाना है वो हमने प्रकार खोलनी है यहाँ तक, जहाँ ये वृत्त हमारा बन रहा है यहाँ तक हम प्रकार खोलेंगे ताकि ये इसको स्पर्श करता हुआ वृत्त बने, यहाँ से इस तरह से। अब आपने क्या करना है, जहां पे इसकी परिधि पे ये रेखा छोड़ी है आपकी केंद्र वाली ए और यहाँ पे पॉइंट है आपका आर, आपने क्या करना है, जितना आपका ये
ए आपने अर्धव्यास ले रखा है, इतनी प्रकार खोल के आपने एल से बाहर को चाप लगा देनी है, इस तरह से निशान लगा देना है, और आर से भी आपने बाहर को निशान लगा देना है इस तरह से। अब हमने इस रेखा को आगे बढ़ा देना है दोनों साइड, इस तरह से, और यहां भी हम इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, और इनके पॉइंट का नाम हम दे देते हैं यहां पे एन, यहां हम नाम दे देंगे पी। और हमने क्या करना है, ए से एन जितनी प्रकार खोलनी है यहां पे, और हमने यहां से चाप लगानी है ऊपर को इस तरह से, इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, बी पॉइंट पर प्रकार रखो और पी जितने प्रकार खोल करके आपने यहां से भी दूसरी चाप लगानी है, जो पहली चाप आपने लगा रखी इसको काटेगी यहां पे ये आप देख सकते हैं, और जहां पे दोनों चापें कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया सी। अब आपने क्या करना है, जितना आपका ए अर्धव्यास दिया हुआ इतनी प्रकार खोल के आपने सी पॉइंट पर प्रकार रखनी है, और यहां से आपने सर्कल लगाना है इस तरह से। ये जो सर्कल आपका लगेगा ये दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करेगा इस तरह से। ये आपका प्रश्न नंबर है 43, ये आपका बनके तैयार हो गया है, और आज हमारा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का भी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप सारे जो सिलेबस है वो वीडियो में देख सकते हैं चैनल पे जा करके, और अपनी तैयारी घर में अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं ड्राइंग में। तो आपने खूब मेहनत करनी है और सारे वीडियो को देखना है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक नंबर से लेकर के 43 जितने भी आपके प्रश्न हैं सारे प्रश्न को पढ़ें, अच्छे से देखें और खूब प्रैक्टिस करें, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ और आप अच्छे नंबर से 8th क्लास में ड्राइंग विषय में अच्छे नंबर से पास हो जाएं।